नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम शकरपारे रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बहुत ही लेयर्स वाले और खस्ता कुरकुरी शकरपारे बनाएंगे। तो चलिए अभी हम चालू करेंगे अपनी शकरपारे रेसिपी। अभी हम शक्करपारे बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है एक कटोरी, और उसके साथ हम आटा भी डालेंगे, और नमक है, इलायची पाउडर है, और एक पीटी शक्कर है। इसी सभी को मिला के हम शक्करपारे बनाएंगे। अभी हम शक्करपारे बनाने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने बर्तन लिया है, बर्तन में हम पानी डालेंगे। एक गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अभी हम गैस लगा देंगे। अभी इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी गर्म हो गया है। शक्कर डाल देंगे पिसी हुई, तो मैं इतनी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा कम कर दूंगी। ये देखिए आधा कटोरी। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको मीठा लगता होगा तो शक्कर का यूज थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मिक्स करने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे। मीठे में नमक जरूर डालिए, स्वाद अच्छा आता है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है नमक को भी। अब इसमें हम घी डालेंगे एक कटोरी। आप दूध का भी यूज कर सकते हो, मैंने दूध का यूज नहीं किया है। अपने शक्करपारे जो है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं रहते, खराब हो जाते हैं दूध डालने से, इसीलिए मैंने पानी का यूज किया है। अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अच्छे से अभी ये मेल्ट हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे, अपना डो तैयार कर लेंगे शक्करपारे का। अब इसमें हम मैदा डालेंगे थाली में। आधा कटोरी के बराबर मैंने गेहूं का आटा लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। अभी जो हमने पानी तैयार किया है वो इसमें डाल के आटा तैयार कर लेंगे अपने शक्करपारे का। थोड़ा थोड़ा डालकर इसको भून लीजिए। सिर्फ आप मैदे का भी यूज करके शक्करपारे बना सकते हो, लेकिन मैंने आटा भी डाला है इसमें। एक ही साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको भूनिए। और से मैंने पानी डाल दिया है शक्कर का। ये देखिए मैंने ऐसे डो तैयार कर लिया है अपने शक्करपारे का। थोड़ा सा हार्ड ही है, एकदम नरम नहीं करना है। देखिए, और इसको भी हम 5-10 मिनट रेस्ट करने देंगे ढक्कन लगा के। हमने 5-10 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए रखा है, तभी हम अपने शक्करपारे तैयार करेंगे।
मैंने ये ऐसा धो लिया है, इसको अलग रख देंगे और ऐसे ही बनाएंगे ऐसे, ज्यादा भुनना नहीं इसको। ये देखो हमने ऐसे गूंद लिया है, इतनी मोटी रखी है। अब इसको अभी हम ऐसे कर देंगे, ऐसे एक के ऊपर एक, थोड़ा सा बेल लेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे अच्छे से लेयर आते हैं ऐसे बनाने से। अब इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए इतना मोटा मैंने रखा है। अब इसको हम काट लेंगे। देखिए ऐसे अभी हम प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए एक बार और से बना लेंगे ऐसे ही। ये देखिए सभी को मैंने बना लिया है ऐसे। ये देखिए इतना मोटा रखा है मैंने। अभी इसको हम तलेंगे। ये देखिए मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है अपने शक्करपाले को तलने के लिए। थोड़ा सा देखेंगे डाल के। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, देखिए ऐसे अपना तेल गरम होने के लिए होना। अभी हम अपने शक्करपाले डालेंगे। ज्यादा मत डालिए और जो फैल जाएंगे तो वो टूट जाएंगे। थोड़ा सा फूलते भी है तो इसीलिए थोड़ा सा कम डालिए और कम गैस पर इसको तलेंगे। और ये अभी पलटाएंगे नहीं, यानी हिलाएंगे नहीं चम्मच से। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद इसको हम हिलाएंगे।
ज़्यादा तेल गरम नहीं होने के लिए ना, जब पहले हम डालते हैं तो, नहीं तो जल जाएंगे पकने के पहले ही, यानी तलने के पहले ही वो जल जाएंगे, इसीलिए कम तेल गरम कीजिए और डालिए। अभी ये ऊपर आ गया है, थोड़े से हल्के हाथ से इसको चला दीजिए, ऐसे हल्के हाथ से हिलाइए। ऐसे हिलाते हिलाते ही इसको तलना है, यानी सभी तरफ से अच्छे से तलने के लिए होना, इसीलिए चम्मच से ऐसे थोड़ी थोड़ी बात हिलाते जाइए। अब ये अच्छे से तल कर तैयार हो गए हैं, अभी इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए मस्त पैक ही तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, अभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, अभी ऐसे हम सभी को तलेंगे। ये देखिए, अपने शक्करवारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, और ये देखिए, खस्ता भी हो गए। ये देखिए, बहुत सारे लेयर्स वाले हमारे खस्ता कुरकुरी शंकरपारे तैयार हो गए हैं, आटा और मैदे के। तो दिवाली में आप ऐसे बनाइए शक्करपारे। तो मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूले, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।